कोटा दक्षिण के वार्ड 68 से भाजपा प्रत्याशी अनिल गोयल के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही प्रचार शुरू हो गया है। अनिल गोयल ने कहा कि पहली बार वार्ड में स्थानीय निवासी को भाजपा ने टिकट दिया है। पार्टी ने जिस भावना से उन्हें जनता की सेवा के लिए चुना है, जीत कर आते हैं तो वार्ड के हर तबके के लोगों के लिए काम करेंगे। वार्ड नंबर 68 है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 68 से चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित किया है और हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। मेरे वार्ड में पहली बार ऐसा अवसर है सुयोग से कि स्थानीय वासी को वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए पार्टी ने निर्देश दिया है और वार्ड के जन समर्थन से, चूंकि मैं इस वार्ड में पिछले 35 वर्षों से निवास करता हूँ तो मुझे इस वार्ड की रग-रग का जानकारी है कि कहाँ पर क्या समस्या है। उसी प्रकार से मैं उन्हीं के साथ वर्षों से काम करता आया हूँ और राजनीति क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में पिछले 35 वर्षों से काम किया, कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। पहली बार मुझे पार्टी का ने आदेश दिया है कि यहाँ पर आकर मैं चुनाव लड़ूँ और अपने ही क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस क्षेत्र की प्रत्येक समस्या, प्रत्येक व्यक्ति से मैं सीधा जुड़ा हुआ हूँ।